तो हेलो प्यारे बच्चों, टेंथ के देखो लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन लाइट का, और ये जाना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। और हमने ये जाना कि कैसे हमने मिरर्स को डिवाइड किया है प्लेन मिरर में और स्फेरिकल मिरर में। तो आज हमें रे डायग्राम बनाना सीखना है, मतलब यानी कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी इमेज बनती है, यानी कि किस ऑब्जेक्ट से, कैसे ऑब्जेक्ट से कोई इमेज बनती है। तो वो चीज़ पढ़ने से पहले आपको ये वीडियो देखने से, पूरी वीडियो देखने से पहले आपको कुछ हथियार चाहिए। वो हथियार क्या क्या है कि आपको कंपास, ठीक है, साथ में जिसके पेंसिल हो, ठीक है, एक ब्लैक पेन रख लो अपने पास, एक पेंसिल, ठीक है, इरेजर है तो वो रख लो, और स्केल रख लो। तो ये कुछ हथियार हैं जो हमारे रे डायग्राम्स को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, मतलब एक जिसे बोलते हैं साइंटिफिक लुक देंगे, बिल्कुल भी जिसे हम क्या बोलते हैं कि जो बिल्कुल भी आपके अनटाइडी नहीं लगेंगे। देखो ड्राइंग, और हम लोगों को, हर किसी को है ना कुछ स्केच करना बड़ा पसंद होता है। कुछ लोग अपनी कॉपी के आसपास करते रहते हैं, कुछ कॉपी के पीछे करते हैं, कभी कोई लिखते लिखते हम बीच में कर देते हैं, और कुछ लोग ड्राइंग शीट पर करते हैं। बट क्या होता है कि वो वर्ल्ड फेमस बनने के लिए क्या होती है कि आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कैसे दिखनी चाहिए, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो वैसे ही रे डायग्राम करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा एफर्ट लगा पाएँ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो रे डायग्राम होते हैं उसके अंदर हम करते क्या हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब मैं भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता हूँ, और उस मेरी जो इमेज बन रही है, जैसे मेरी, मैं हूँ ऑब्जेक्ट और मेरी जो इमेज इस कैमरा के अंदर बन रही है, ये मैं खुद नहीं हूँ, ये मेरी इमेज है जो आप देख रहे हो। तो ये कैसे बनती है, ये लेंस कैसे बनाता है और मिरर कैसे बनाता है। सबसे पहले हम मिरर में सीखेंगे कि कैसे हमारी इमेज बनती है। तो हम एकदम टेक्निकल लेवल में सीखेंगे, मतलब बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बनाना सीखेंगे। देखो एक तरफ ये वाली इमेज है जो बहुत ही अनटाइडी लग रही है, आपको दिख रही होगी, ठीक है, किसी भी ये CBSE बोर्ड पे किसी ने बनाई है, और एक ये वाली इमेज है जो CBSE बोर्ड में किसी दूसरे स्टूडेंट ने बनाई है। पर दोनों में से आपको जाहिर सी बात है ये वाली इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बिल्कुल एकदम नीटली काम हुआ है, और इसके अंदर फुल मार्क्स भी मिलेंगे। प्लस क्या होता है कि टीचर जज करता है बच्चे को, वो ये देखना चाहता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। मतलब हर कोई पेपर देता है, बट क्या होता है कि जिसके ज़्यादा मार्क आते हैं या जिसको थोड़ा सा एक दो नंबर हर क्वेश्चन में ज़्यादा मिलता रहता है, उसका रीज़न होता है उसके डायग्राम्स बड़े अच्छे होते हैं। तो टीचर को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार, इसने अच्छा काम किया होगा, क्योंकि पूरी आपको जब बोर्ड होता है आपका, चाहे 11th का एग्ज़ाम हो चाहे 12th का एग्ज़ाम हो, तो आप उसमें देखते हो कि कुछ 10 से 12 डायग्राम आते हैं, ठीक है, कोई लाइट का डायग्राम आएगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी का डायग्राम आएगा, कोई आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आएगा, कुछ आपके लाइफ प्रोसेसेस के डायग्राम आएंगे। तो होता क्या है कि आप जितना नीटली डायग्राम बनाते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बताया था, तो उतना ही ज़्यादा आपको और भी क्वेश्चन, जो दूसरे भी क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर मार्क्स मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने रे डायग्राम्स को, कि कैसे बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको दोनों मिरर्स के बारे में बता दूं, जो हम लास्ट क्लास में जहां पे हमने उसे छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के लॉस क्या क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने जाना था कि ये एक नॉर्मल होता है, ठीक है, ये आपका एक सरफेस है मिरर के पीछे, ये क्यों बनाता है, इससे लगता है कि ये क्या है, आपका पॉलिश है, ठीक है। अब इसमें जब भी कोई लाइट रे आती है, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, आने वाली रे, वो नॉर्मल के साथ कितना बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वापस चली जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे आपकी होती है। तो इतना तो हम लोगों ने जाना था कि एक रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जिस पे इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पे वापस चले जाती है, ये एक स्मूथ सरफेस होता है, जो जिस भी सरफेस के पीछे, मान लो अगर मैं कोई भी मिरर बना रहा हूँ, एक ये वाला मिरर होता है और एक ये मिरर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हर मिरर को हम किससे, किस तरफ से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से देखते हैं मिरर को, और राइट हैंड साइड की तरफ हमेशा पॉलिश होती है। पॉलिश किसकी होती है, सिल्वर की पॉलिश आपकी, ऐसे ऐसे इस तरीके से कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमेशा किसी भी मिरर को हम किस तरफ से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, और राइट हैंड साइड की तरफ से उसकी पॉलिशिंग होती है, ठीक है। और ये वाला मिरर जो है, जिसमें बच्चा जाके मज़े कर सकता है, मान लो ये बच्चा है, बच्चा ऊपर से बारिश आ रही है ऐसे ऐसे करके, तो आप देखोगे कि इसके अंदर जाके ये केव की तरह है, एक गुफा की तरह है, अंदर की तरफ, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आपकी एक गुफा की तरह है, तो ये कनकेव हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया कॉन्वेक्स, ये वाला है कॉन्वेक्स, लेफ्ट हैंड साइड से देखना है, और ये वाला है आपका कनकेव, ठीक है, इतना आपको पता लग गया था। ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, मेरा एक क्वेश्चन है हर बच्चे से, देखो पुरानी वीडियो मत देखना, ऐसे ही अगर आपको याद है कि ये दोनों को
किस मिरर के अंदर हमने डिवाइड किया था, एक हमने प्लेन मिरर डिवाइड किया था, एक हमने और डिवाइड किया था, उसके अंदर ये दोनों थे। तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना कि सर हमें पता था कि ये दोनों किस पार्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको कुछ और हम बोलते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर बोलने से पहले इनको कुछ और एक मिरर बोला जाता है, ठीक है। वो तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना बिना चीटिंग किए। वैसे मैं बता देता हूँ कि वो होता है, चलो अभी क्यों बताऊँ, थोड़ी देर बाद बताऊँगा। देखो अब बात करते हैं हम लोग कि आज हमें कुछ टर्म समझनी है, ठीक है, लाइन बाय लाइन हमें कुछ समझना है। सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना है जिसका नाम है कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर, ठीक है। अभी कर्वेचर क्या होता है, पहला वर्ड हमें ये समझना है कर्वेचर क्या चीज़ है, ठीक है। फिर हमने ये समझना है कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, PRINCIPAL एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और फिर आते हैं हम समझेंगे पोल को कि पोल क्या होता है। कुछ कुछ टर्म्स है जो हमें आज बहुत अच्छे से समझनी है पोल को। और फिर हमें समझना है आर और इस सी को कि ये आर और ये सी क्या चीज़ होती है। फिर हमें समझना है एफ और छोटे एफ को, ठीक है। देखो आर और सी, एफ और ए छोटा एफ क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज फोकस पॉइंट, व्हाट इज फोकस पॉइंट। तो आपको ये सारी चीज़ें अभी समझनी है कि एक पर्टिकुलर रे डायग्राम बनाते हैं हम, तो हम इन चीज़ों का यूज़ कहाँ करते हैं, क्या होता है कर्वेचर, क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ, प्रिंसिपल जो होता है ना, प्रिंसिपल तो एक तो आपका स्कूल का प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य, एक होता है प्रिंसिपल जो आपका आधार हो, मतलब जिस बेसिस पे आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, तो वो आपका एक प्रिंसिपल चीज़ हो गई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि रे डायग्राम फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं, रे डायग्राम फॉर्मेशन ये आपको बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि 100% आप पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, आपको इसके 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन मिलते हैं रे डायग्राम फॉर्मेशन पे, ठीक है। कई बार इन पे चॉइस भी होती है, वैसे 5-5 मार्क के आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं, आप लास्ट 10 साल के पेपर उठा लो तो आपको पता लगेगा कि रे डायग्राम फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आज आप उसका पार्ट वन होगा जिसके अंदर आप ये समझोगे कैसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको जो अपने हथियार चाहिए वो रख लो कि आपके ये सारे हथियार हो जाएंगे, ठीक है। और अब आते हैं मेन चीज़ पे कि क्या इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखो अभी अब मत आंसर लिखना कमेंट के अंदर, पहले ही मैंने बोला था लिखने के लिए, ठीक है। तो अब मिरर जो थे मैंने आपको बताया था, प्लेन मिरर होता है एक, और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर, एक आपका होता है स्फेरिकल मिरर, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर दो और पार्ट होते हैं जिनका नाम होता है कनकेव मिरर और एक होता है आपका कन्वेक्स मिरर, एक कनकेव मिरर और एक आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो आपको इतना तो पता लग गया होगा, स्फेरिकल मिरर जो है उसे हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये आपका कनकेव मिरर जो है, ध्यान से सुनना, और कन्वेक्स मिरर है। कनकेव कैसा दिखता है, कनकेव आपका ऐसा दिखता है केव की तरह, ठीक है। इसमें हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ से पॉलिश होगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, मतलब राइट हैंड साइड ये है, इस मिरर का राइट हैंड साइड की तरफ पॉलिश होगा और लेफ्ट हैंड साइड से हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो ये केव की तरह होती है, अंदर गुफा की तरह होता है, अंदर की तरफ चले जाओ आप इसके। और ये कैसा होता है, ये ऐसे होता है, हमेशा मैंने बोला था कि मिरर को लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं और राइट हैंड साइड पे क्या होता है आपका पॉलिश होता है। तो ये कनकेव हो गया और ये कन्वेक्स हो गया, इनको क्या बोलते हैं हम, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ये टर्म बोलते हैं। अब इन्हें स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, आज उसी से हमें कर्वेचर के बारे में पता लगेगा। तो स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्फेयर होता है आपका, स्फेयर से इनको काटा जाता है, स्फेयर से काटा जाता है, ठीक है। तो स्फेयर से इन्हें काटा जाता है, तो स्फेयर का ये वाला जो पार्ट बनता है, ये वाला इतना, ये क्या बन गया आपका, ध्यान से देखो ये ऐसे है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये कन्वेक्स मिल गया, ये आपका बन गया कन्वेक्स, ठीक है। और ये वाला आपका क्या बन गया, ये वाला आपका बन गया जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ कनकेव, कनकेव। और इन्हें स्फेरिकल मिरर के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि स्फेयर से काटे हैं हमने, स्फेयर से काटे हैं, क्लियर। तो अब ध्यान से समझना मैं जो बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि कर्वेचर क्या चीज है, ठीक है। कर्वेचर क्या है, वैसे आपको कर्व पता होगा, जो भी चीज़ ऐसे थोड़ी कर्व्ड हो, थोड़ी राउंड फॉर्म में हो, घूमी हुई हो, मतलब स्ट्रेट लाइन ना हो, वो आपका कर्व है।
ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, मान लो ये आपका एक पूरा स्फेयर है, आपके सामने आ रहा होगा ये पूरा स्फेयर, ठीक है। अब इस स्फेयर में से, ये पूरा स्फेयर है ठीक है, इसका एक सेंटर होता है, इस पूरे स्फेयर का एक सेंटर है, ठीक है। तो पूरे स्फेयर का सेंटर से जो लाइन बनेगी, पूरे स्फेयर की सेंटर से जो लाइन बनेगी, ठीक है, पूरे स्फेयर है उसकी सेंटर से जो लाइन बनी, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ दिस स्फेयर, रेडियस ऑफ द स्फेयर, सुनो ठीक है। देखो तो आपको मैं बता दूं, ये पूरा स्फेयर है, स्फेयर का ये आपका क्या है, सेंटर, ये है आपका सेंटर, सेंटर ऑफ स्फेयर से बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, तो ये सेंटर ऑफ स्फेयर है। और यहां से यहां तक ये आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फेयर। दो बातें पता लगेगी आपको, ये आपका पूरा का पूरा एक स्फेयर है, उसका ये सेंटर है, और यहां से यहां तक क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। क्या ये भी रेडियस होगा, हाँ यहां से यहां तक भी रेडियस होगा, ठीक है, ये भी आपका रेडियस होगा। तो ये सारे आपके रेडियस होंगे, इधर से इधर भी आपका एक रेडियस होगा, सब जगह एक तरफ रेडियस आपका होता ही होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं क्या करूं, इस पूरे स्फेयर में से इतना पार्ट हटा दूं, इस पूरे स्फेयर में से पूरा, एक बार आपको अच्छे से बता देता हूं मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या बताने वाला हूं आपको। देखो पूरा स्फेयर था, ये उसका रेडियस था, इसे हमने बोला था रेडियस ऑफ स्फेयर, पूरा स्फेयर है ठीक है, आधा होता है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होता। तो अब हमने क्या करा, ये रेडियस ऑफ स्फेयर में से हमने मान लो इतना पार्ट रिमूव कर दिया, बहुत ज्यादा पार्ट, 3/4 पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो क्या अब ये रेडियस ऑफ स्फेयर होगा, नहीं, अब ये हो जाएगा रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस। वो अब ये कर्वेचर क्यों हो गया, क्योंकि अब एक ये सिर्फ एक कर्व बचा है, पूरा का पूरा स्फेयर नहीं बचा है, तो यह बचा हुआ चीज क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर पूरा स्फेयर हो तो हम उसे ये बोलते हैं कि ये रेडियस ऑफ स्फेयर है, और अगर सिर्फ ये थोड़ा सा कर्व हो ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कि यहां से जो यहां तक आर है वो क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। तो अगर पूरा स्फेयर हो तो उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ स्फेयर, और अगर सिर्फ थोड़ा सा कर्व हो, थोड़ा सा कर्व हो इसमें से, मतलब यहां से यहां तक मान लो इतना ही कर्व हो, तो उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको बात समझ में आ रही होगी कि रेडियस ऑफ स्फेयर में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस है। अब इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर। तो बताओ इसके, इसका जो ये सेंटर है, देखो अब इसका ये सेंटर कैसे है, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पर अपना ये कंपस रखें, देखो यहाँ पर हम अपना यहाँ कंपस रखें, कंपस का ये देखो ये रखें ये वाला पॉइंट, और ऐसे पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब पूरा ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखो ये इतना खुल तो सकता नहीं है, मैक्सिमम जितना खुल सकता है मैंने खोला। अब मैं सेंटर पे रखता हूँ, और अगर मैं इस सेंटर ऑफ सेंटर से पूरा का पूरा क्या कर सकता हूँ, स्फेयर दोबारा कंप्लीट कर सकता हूँ। मान लो मुझे कोई इतना स्फेयर दे दे, इतना पार्ट रिमूव कर दे, तो मैं सेंटर पे रख के दोबारा से दोबारा बना सकता हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर मान लो ये पूरा का पूरा एक स्फेयर है, पूरा एक गोला है, तो उसे इसको हमने क्या बोला, इस पॉइंट को बोला हमने सेंटर ऑफ स्फेयर। वैसे ही अगर ये कर्व का पार्ट है तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस। जैसे पूरे स्फेयर का ये इतना पूरा का पूरा लेंथ क्या था, रेडियस ऑफ स्फेयर, और ये क्या हो गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व का पार्ट है। तो कर्वेचर वो चीज है कि क्या होता है कि पूरा स्फेयर नहीं है, स्फेयर का हमने थोड़ा सा पार्ट लिया, उसको हमने बोला है कर्व, उसे हमने क्या बोला है, कर्व, ठीक है। तो कर्व आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ जाओगे कर्व क्या है और रेडियस क्या है। समझ में आ गया तो मुझे जरूर बताना। अब आते हैं हम लोग कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये करना, ये आपको ये समझाना चाहते हैं कि पूरा मिरर तो एकदम ऐसा हो नहीं सकता, मिरर तो आपको इतना ही मिलता है, इतना ही राउंड मिलता है। तो आप जो उसका सेंटर है, एक तो उसका सेंटर डिसाइड करो। सेंटर कैसे डिसाइड होगा भैया, जहाँ से ये पूरा का पूरा दोबारा कंप्लीट हो जाए, दोबारा यहाँ से आप ऐसे, आपका मान लो कंपस है, कंपस को एक आपने यहाँ रखा और यहाँ रखा, और एक पूरा आपका पूरा आपने दोबारा से कंप्लीट कर लिया। तो ये आपका पॉइंट जो है, जो इसका सेंटर का पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको ये सी बोलते हैं, इस पॉइंट को हम सी बोलते हैं, और यहाँ से वहाँ तक जो रेडियस बनता है उसे ये आर बोलते हैं। सी क्या है, सी है आपका सेंटर
ऑफ स्फेयर, नहीं नहीं ये स्फेयर तो पूरा है नहीं, ये क्या है कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पूरा लेंथ है, तो इसे हमने बोलेंगे रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि सेंटर वो चीज होती है जो क्या हो आपकी इस पूरे के पूरे मिरर को कंप्लीट कर दे, इस पूरे के पूरे मिरर को कंप्लीट कर दे अगर आप पे यहां कंपस रखो तो। और ये क्या है लेंथ, लेंथ है आपकी, ये एक पॉइंट है, जरूर लिख लेना कि ये पॉइंट है और ये आपकी पूरी की पूरी लेंथ है। तो सी एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वहां से जो पूरी यहां तक आपकी डिस्टेंस आता है, जो पूरा का पूरा रेडियस आता है, पूरी की पूरी जो लेंथ आती है, आप रेडियस की जगह लेंथ भी लिख सकते हो, लेंथ यहां से यहां तक आती है जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी एक पॉइंट है, आर एक लेंथ है, क्लियर है आपको समझ में आया, आर कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक आपका पूरा का पूरा आर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पोल पे और प्रिंसिपल एक्सिस पे, कि पोल क्या है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। मैं अच्छा सर एक आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या आपका है पार्ट। देखो तो हमने इसको रब कर दिया, अब आते हैं भैया मेन चीज पे हम हमारी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम लोग एक कर्व बना लेते हैं, ये कर्व बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा कर्व बन चुका है। फिर हमने इसका एक सेंटर सेंटर अपने आप ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब हम इसे कर्व बनाएंगे, जब हम कंपस रखे इसे कर्व बनाएंगे तो अपने आप हमें इसका सेंटर मिलेगा, क्लियर। तो हमने इसका ये वाला सेंटर मिल चुका है, इसे हमने सी नाम दे दिया। अब यहाँ से हमने एक लाइन बना दी, ठीक है, जो लाइन इस मिरर को क्रॉस करेगी, जो इस लाइन इस मिरर को इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहा है आपका, तो यहाँ जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं पोल, और जो हमने ये लाइन बनाई है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं आपको बता दूं कि मिरर के अंदर जो इंटरसेक्शन होता है आपका, जो प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करती है जहां पर, उसे हम बोलते हैं पोल। क्या होता है पोल, देखो मान लो ये आपका मिरर है, ठीक है, और इस मिरर के अंदर यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस करेगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पता है आपको क्या करेगी, उसके ऊपर ही हम अपना क्या रखेंगे, बार बार ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट में हम एक मान लो कैंडल रख देंगे, बार बार हम इस एक्सिस के ऊपर ही एक कैंडल आपकी रखेंगे, और जहां ये मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं पोल। तो पोल की डेफिनेशन ये हुई होती है, पोल की डेफिनेशन क्या होती है, पोल इज द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर इंटरसेक्ट। क्या होता है पोल इज अ पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर इंटरसेक्ट, क्लियर है। तो पोल क्या है, जहां पर आपकी मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करें, ये आपका पोल होगा, ठीक है। अब आपको बताओ सी क्या है, सी क्या है, जो इस पूरे मिरर का सेंटर है, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां पे बीचों बीच आपका आएगा एफ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं यहां से यहां तक आपका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं, स्फीयर तो पूरा होता है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये। अब बताओ ये कौन सा मिरर है, कैसे पता लगेगा ये कौन सा मिरर है। देखो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से मिरर को देखते हैं और राइट हैंड साइड से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, राइट हैंड साइड से पॉलिश कर देते हैं, राइट हैंड साइड पे हमने पॉलिश कर दी और लेफ्ट हैंड साइड से देखा तो मुझे ये पता है कनकेव लग रहा है, और आपको भी कनकेव ही लगना चाहिए, क्योंकि देखो कनकेव वही होता है जिसके अंदर मान लो आपकी यहाँ पर आपका कोई लड़का है ऐसे खड़ा हो गया और बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो बारिश इस पे अगर गिरेगी तो वो उधर से चली जाएगी, इस बच्चे पे नहीं आ पाएगी, तो ये केव की तरह है, एक गुफा की तरह है जिसके अंदर बच्चा मजे कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पूरे के पूरे मिरर का सेंटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि इस सेंटर से पूरे के पूरे मिरर तक का डिस्टेंस, इस सेंटर से मिरर तक का डिस्टेंस। पोल क्या है, पोल क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर इंटरसेक्ट, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वेयर वी पुट आर
वेयर वी पुट आर ऑब्जेक्ट, वेयर वी पुट आर ऑब्जेक्ट। तो ये बेस लाइन है, ये क्या है, बेस लाइन है, ठीक है। अगर हम ये लाइन नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि हमें ऑब्जेक्ट रखना कहाँ है, हमें ऑब्जेक्ट रखना कहाँ है। तो हम लोग ये बेसिक कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो आपको यहाँ तक पता लग गया होगा। अब हम फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ पे बताऊंगा मैं आपको, व्हाट इज़ फोकस पॉइंट और व्हाट इज़ फोकल लेंथ, ठीक है। तो आपको फोकस पॉइंट और फोकस लेंथ के लिए आप रेडी हो जाओ कि क्या हम सीखेंगे। आप चार चीज़ अभी तक सीख चुके हो और ब्लाइंड वाइज सबको लिखते भी रहो कि हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि एक पर्टिकुलर मिरर होता है आपका, मान लो ये मिरर बना लिया मैंने, इसका हमने हमेशा राइट हैंड साइड से इसको पॉलिश कर देना है, ये पॉलिश का सिंबल है, पॉलिश कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने ये क्या बना ली, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या बन गया, पोल बन गया। ये आपका क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका एक पॉइंट पोल बन चुका है, क्लियर। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये पूरी की पूरी जो आपकी लाइन है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका पोल हो गया। अब आपको बताओ इसका सेंटर हमें कैसे पता लगेगा, जाहिर सी बात है, जहां पे रख के ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। किस मिरर की बात कर रहे हैं हम, कनकेव की बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर। अब ये सेंटर है और यहां से यहां तक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब पोल, ये पोल पी, पी यानी पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में जो मिड पॉइंट होता है, इसके बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं फोकस ऑफ मिरर, फोकस ऑफ मिरर। अब फोकस ऑफ मिरर पता है क्यों बोलता है, कोई भी पैरेलल रे आती है ना, पैरेलल रे वो हमेशा कहाँ जाती है, फोकस पे। कोई भी पैरेलल रे आती है वो आपकी कहाँ जाती है, फोकस पे, ठीक है। तो कोई भी अगर आपकी पैरेलल रे आती है तो वो कहाँ जाती है, फोकस पे। मान लो पैरेलल रे आई, फोकस पे आ गई, पैरेलल रे आई, फोकस पे आ गई, इसे हम फोकस इसीलिए बोलते हैं। फोकस वो चीज़ होती है, जैसे आप पता है शादी में आप जाते हो या फिर कोई आप डांस शो देखने जा रहे हो, तो उसके अंदर आप देखोगे तो फोकस लाइट होती है, वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे सारी लाइट फोकस कर देती है। वैसे ही मिरर के अंदर भी ऐसा ही होता है। मिरर के अंदर क्या होता है, ये आपका कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, जिसके अंदर कोई भी लाइट आएगी, ठीक है। कनकेव के मिरर के अंदर कोई भी पैरेलल लाइट आई, तो वो फोकस पॉइंट पे आ जाती है। और फोकस पॉइंट होता कहाँ है, फोकस पॉइंट आपका होता है सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट पे आपका फोकस पाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज फोकस। तो फोकस आपको पता लग गया कि क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक आपने जो सीखा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, ये बहुत ज्यादा चीजें हैं। क्या आपने पहले क्या बनाया, अपना मिरर को पॉलिश कर लिया, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, इसका ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है PA, ये कौन सा है, पोल है, ठीक है, या इसका सेंटर है, ठीक है, और ये इसका क्या है, फोकस। तो हमारे टोटल कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट, फोकस पॉइंट और पोल। CF और P तीनों ही पॉइंट होते हैं, किस पे होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये तीनों पॉइंट होते हैं, CF और P तीनों पॉइंट होते हैं। अब मैं आपको R के बारे में बताऊंगा। R क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो यहां से यहां तक का लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं वो पता है लेंथ होता है C से P तक का, सेंटर से लेके पोल तक का आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर C से P तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और F से P तक का क्या होगा, F तो आपका क्या था, फोकस पॉइंट था, F क्या था आपका, फोकस पॉइंट, ये आपका क्या था, सेंटर। तो फोकस पॉइंट से लेके पोल तक का आप याद रखना छोटा F बोलते हैं, इसे हमेशा बड़ा F बनाना, इसे मर्दाना F, और ये आपका F ऐसे बनेगा, थोड़ा सा स्टाइलिश F बनेगा, फैशन वाला F बनेगा ये, ठीक है, ऐसे ही बनाना है, ये वाला मत बनाना, नहीं बहुत गंदा लगता है, ठीक है। कर्सिव राइटिंग वाला प्लीज़ आप ना फॉलो करें, ये वाला बहुत बुरा है। आप एक F बनाएं इसे घुमावदार फैशन, ठीक है। तो ये वाला जो F है, ये F
से लेके पी तक का पूरा इसे क्या बोलते हैं, एफ से लेकर तक का पी का जो है ये वाला एफ बना आपका, इसे बोलते हैं हम फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आप ये सारा सब लिख रहे हो ना कि ये आर और ये छोटा एफ दोनों लेंथ है, सी पी और एफ ये तीनों पॉइंट है, ये लेंथ है, लेंथ जानते हो ना, पॉइंट तो एक दो ऐसे पॉइंट ही होते हैं, पॉइंट तो एक ही जगह होता है, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपकी लेंथ होती है। तो याद रखना कि आर और एफ आपके लिए लेंथ है, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आर क्या है जल्दी बताओ, आर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका एफ है फोकल लेंथ, जिससे फोकस पॉइंट था, फोकस पॉइंट तो सिर्फ यहीं पे इसी जगह पे, यहां से यहां तक आपकी है पूरी की पूरी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक फोकल लेंथ होती है। तो कितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली एक डायग्राम के अंदर, आपको अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा सर कितनी बातें याद रखनी है, पर इतनी बातें आप बार 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 करोगे ना तो ज़्यादा फिर आपको कॉमन लगेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला मुश्किल लगता है जब आप दो तीन बार उसे पढ़ते हो, पर बाद में अगर आप उसे डेली यूज़ करो तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है। तो वैसे ही इसके अंदर टोटल पता है कितनी बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ टोटल बातें आपके सामने, मैं बता देता हूँ कितनी है। सबसे पहले आपको बताया होना चाहिए कि रेडियस जो है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, दोनों क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार इस पूरे मिरर को मैं मिटा दूंगा, पहले आप थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, कि सर क्या है, पॉज करके भी आप देख सकते हो इस टाइम पे कि क्या मैंने करा हुआ है। अब मैं आपको पूरा दोबारा एकदम अच्छे से बताऊंगा। और एक और चीज़ है, ठीक है, जो मेरी फेवरेट है, मैं मेरे को नाम लेना उसका बार बार अच्छा लगता है, जिसे मैं बोलता हूँ एपरेचर। क्या बोलता हूँ? एपरेचर। थोड़ा सा बोलना आपको, आप अपर्चर बोल सकते हो, पर एक्चुअली में हम लोग इसे एपरेचर बोलते हैं। तो एपरेचर क्या चीज़ है, ठीक है, अपर्चर भी बहुत ज़्यादा इसे प्रोनाउंस किया जाता है, पर आपकी क्या होता है, एक पर्सनल चॉइस भी होती है कि अमेरिकन इंग्लिश अलग है और ब्रिटिश इंग्लिश आपकी अलग है, तो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, हमने जो जो पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मिरर बनाओ, इस मिरर के अंदर आपने क्या बनाना है, पॉलिश कर देना है। पॉलिश हमेशा कहाँ होगी, आपकी राइट हैंड साइड की तरफ से, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से मिरर को देखेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ दबा हुआ है तो ये कनकेव है, क्योंकि ये कनकेव है, क्योंकि इसके अंदर हम जाके ऐश कर सकते हैं। उसके बाद हम जो ये लाइन बनाते हैं, सबसे पहले इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पी ए, प्रिंसिपल एक्सिस, स्पेलिंग गलत हो तो कोई बात नहीं, पर प्रिंसिपल एक्सिस याद रखना बोलने के लिए, ठीक है। ये आपका क्या है, जो इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ पे, ये आपका पोल है, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पे होगा, क्यों होगा, इस उस तरफ क्यों नहीं हो सकता, उधर से ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, इधर से ये सर्कल कंप्लीट होगा, अगर ऐसे ऐसे सर्कल कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसका ये आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एकदम होता है फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट बिल्कुल बीच में होता है, फोकस पॉइंट इन दोनों के बीच में होता है। मान लो ये अगर आठ है तो यहां से भी यहां तक ये चार होगा और यहां से यहां तक भी चार होगा, ऐसे होगा। तो आपको समझ में आ गया फोकस पॉइंट क्या है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंथ है ये पूरी, यहां से सी से लेके पी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपकी है फोकल लेंथ, छोटा एफ बनाया मैंने, फोकल लेंथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फोकल लेंथ क्या है। तो ये सारी चीजें इस मिरर के अंदर है, कनकेव के अंदर। बहुत बात हो गई कनकेव की, अब आते हैं हम कन्वेक्स पे, ठीक है। तो अब आते हैं हम कन्वेक्स पे, कन्वेक्स क्या चीज है देख लेते हैं भैया। तो अब आते हैं हम कन्वेक्स मिरर के ऊपर, कि कन्वेक्स मिरर कैसे काम करता है। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ऐसा होता है जिसको हम कहां से देखते हैं, हमेशा मिरर को हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ आपकी पॉलिश हो जाती है। अब ये मिरर बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ दबा हुआ नहीं है, अंदर की तरफ दबा होता तो कनकेव होता, बाहर की तरफ है तो अभी तो ये कन्वेक्स है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से हमेशा पॉलिश करो और लेफ्ट हैंड साइड से आप देखो कि मिरर आपका कैसा दिख रहा है। तो अब ये आपको क्या दिख रहा है, कन्वेक्स मिरर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज है। ये आपका पता लग गया होगा, आपको पोल है, जिसे हम पी बोलते हैं, पोल, क्योंकि जहां मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करे, वो आपका पोल है, क्लियर है।
तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मुझे बताओ इसका सेंटर इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। कुछ बच्चे तो बोलते हैं सर सेंटर इधर ही बना दो, पर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा रुको और अपना दिमाग लगाओ, इसका सेंटर इस तरफ हो ही नहीं सकता, इसका सेंटर उस तरफ होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो अगर इसका सेंटर यहाँ पे होगा और हमारे पास कंपास है, इसका सेंटर इस तरफ होगा तब ज़्यादा बेटर है। उसका रीज़न क्या है, ज़्यादा नहीं तभी बेटर है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम अपना क्या रख सकते हैं, कंपास रख सकते हैं और ऐसे पूरा क्या बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। तो ये इस तरफ से स्फेयर नहीं बनेगा, इस तरफ से स्फेयर बनेगा। तो ये आपका हो गया इसका सेंटर यहाँ पर, और सेंटर और पोल के बीच में आपका क्या होगा, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पूरा आर है और यहाँ से यहाँ तक छोटा एफ है, फोकल लेंथ। क्लियर है, आपकी फोकल लेंथ आया समझ में। तो ये आपको अभी इतना मैंने आपको बताया, ये कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स के लिए भी आप ये लिख लो कि इसका एफ और सी इस तरफ होंगे, इधर क्यों नहीं है, उसका रीज़न देखो इसमें एक और बता देता हूँ मैं आपको। कोई भी आपका मिरर होता है, स्फेयर होता है, उसका सेंटर यहाँ होता है। मान लो मैं दो हिस्से काटूंगा, तो एक का सेंटर तो उसके सामने आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, इस वाले का, इस वाले पार्ट का सेंटर इधर आया, जैसे आपका कनकेव, और इस वाले पार्ट का सेंटर पीछे आएगा, इस वाले पार्ट का सेंटर पीछे आएगा, इस वाले पार्ट का सेंटर पीछे आएगा। तो ये कनकेव था और ये आपका कन्वेक्स है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो कि वो कनकेव और ये कन्वेक्स, ऐसे आपको दोनों सीखने हैं। अब आपको अभी आप लोगों ने आई होप सारे रेडी रखे होंगे अपने हथियार, तो उनका यूज़ कैसे करना है चलो वो देखते हैं, उनका यूज़ कैसे करना है और आपको कितना, आज थोड़ा सा मैं आपको अच्छा होमवर्क दूंगा, आधा आपको घंटा लगेगा और आधा घंटा आपको उस पर इन्वेस्ट करके मुझे फ़ोटो भेजनी ही भेजनी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनकी जम के तारीफ़ कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यार अप्रिसिएशन तो सबको ही चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग ये जानते हैं कि अब अपने हथियारों को कैसे यूज़ करें। हमारे पास जो स्केल, हमारे पास जो जितने भी आपने ब्लैक पेन और सब ले रखा है, तो उनको कैसे हम लोग यूज़ करें। तो बच्चों अब ध्यान से सुनना कि हमें अपने हथियारों का यूज़ कैसे करना है। हमें सबसे पहले स्केल लेना है, हम सबसे पहले स्केल लेना है। आप जानते हो हमारी रूल्ड शीट्स है, कॉपी जो आपकी होनी चाहिए वो रूल्ड शीट वाली होनी चाहिए। आप पूरे रे डायग्राम बनाओगे तो रूल्ड शीट वाली कॉपी पे, जो इस तरीके से आपकी कॉपी आती है, देख लो रूल शीट वाली कॉपी, क्लियर है। अब रूल शीट वाली आपने कॉपी ले ली जिसमें इस तरीके से लाइंस होती है, और स्केल आपको जो रखना है, ध्यान से समझना, जो आपको स्केल रखना है, जो आपको स्केल रखना है वो आपको लाइन के ऊपर रखना है। कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होंगे, एकदम बता रहा हूँ, यूजलेस और ओवर स्मार्ट, वो क्या करेंगे लाइन के बीच में रख के ऐसे दोबारा लाइन बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, आपको दोबारा लाइन नहीं बनानी, आपको लाइन के ऊपर ही लाइन बनानी है, ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट है, वैसे भी वो स्ट्रेट है तो उसके ऊपर स्ट्रेट ही चले आपकी लाइन, ठीक है। तो एक सही सा स्केल ले लेना, कोई बात सही से स्केल नहीं है तो कोई जुगाड़ बनाओ, पर सही लाइन एक स्ट्रेट लाइन लाइन के ऊपर ही बनानी है। तो पहला इंस्ट्रक्शन है कि आपको लाइन के ऊपर ही लाइन बनानी है, बीच में नहीं बनानी, और रूल्ड शीट लेनी, एकदम प्लेन वाली शीट नहीं लेनी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनो कि रूल्ड शीट है, लाइन के ऊपर लाइन बनानी है, और कितने सेंटीमीटर लाइन बनानी है, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है, ये देखो 15 सेंटीमीटर का स्केल, इसके अंदर आपको 12 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन खींचनी है, लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है आपको इस तरीके से। और आपको पॉइंट स्केल रखते हुए, स्केल जल्दी से हटाना नहीं है, कुछ बच्चे क्या करेंगे लाइन खींचेंगे स्केल हटाएंगे फिर स्केल रखेंगे, ऐसा मत करो। जिस टाइम आपने लाइन खींची है उसी वक्त क्या करो, एक जीरो पे पॉइंट बनाओ, एक जीरो पे पॉइंट, ठीक है, फिर एक फोर पे पॉइंट, फिर एक एट पे पॉइंट, और फिर एक ट्वेल्व पे पॉइंट। आपने 12 सेंटीमीटर की लाइन खींची, 12 की खींची, तो जीरो फोर एट ट्वेल्व सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, जीरो पे एक पॉइंट, फोर पे एक पॉइंट, एट पे एक पॉइंट, और ट्वेल्व पे एक पॉइंट, आपको ऐसे पॉइंट बनाना है, ठीक है। अब बच्चे पॉइंट बनाने के बाद जीरो फोर एट ट्वेल्व लिख भी देंगे, नहीं यार ऐसे लिखना नहीं है, मैं तो आपको खुद एक नॉर्मल हिंट दिया है कि जीरो फोर एट ट्वेल्व पे आपको ऐसे लाइन बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन बनाई और आपने चार पॉइंट बना लिए, जीरो फोर एट ट्वेल्व, और इतने 12 सेंटीमीटर की लाइन बनानी थी। अब आपको ध्यान से समझना, ये लाम लिखने नहीं है, जीरो फोर एट ट्वेल्व। अब करना क्या है कि आपको अपना कंपास लेना है, ठीक है, और अपना पेन ले लिया आपने, पेन से आपको यहाँ लिखना है सी एफ पी, और आखिरी वाले को छोड़ देना है,
CFP, सी यानी कि सेंटर, फोकस और पोल, क्लियर है? CFP लिख देना है, ओ वाला छोड़ देना है, इधर से मत छोड़ना, CFP वो वाला छोड़ देना है आपको, एक पॉइंट इस पे कुछ नहीं लिखना। सी पे आपको अपना कंपास रखना है, सी पे आपको कंपास रखना है जो कि 0 सेंटीमीटर पे होगा, और ये आपका 4 था, ये आपका 8 सेंटीमीटर होगा, तो 0 से 8 तक आपको ओपन करना है, 0 से 8 तक ओपन करना है, मतलब सी से लेके पी तक आपको अपने कंपास को ओपन करना है, और आर्क बनानी है, ठीक है? आर्क आपको कैसे बनानी है वो मैं बता देता हूं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, चार आपको जो रोज दिख रही है ये 4 रो, और ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, चार ये रो आपको दिख रही होगी, 1, 2, 3, 4, आपको एक ऐसा क्या बनाना है, पूरा 4 रो को कवर करते हुए एक कर्व बनाना है, ये कर्व, इस कर्व को बोलते हैं हम एपरेचर। क्या आपका कर्व जो बनेगा, जो ये आपको यहां से यहां तक का बनेगा, वो आपका एपरेचर होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, मान लो उन्होंने 0, 4, 8 12 सेंटीमीटर की लाइन खींची, और उसके बाद पूरा ही ऐसा बना देंगे, इतना बड़ा कर्व। ये नहीं बनाना आपको, आपको मान लो, देखो मैं एक करके दिखा रहा हूं आपको, समझना ध्यान से, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप समझना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने थोड़ा नीचे करके दिखा दूंगा आपको, मैं वीडियो के एंड में थोड़ा सा एडिशनल वीडियो में ये डाल दूंगा कि पूरा ये प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है? कनकेव और कन्वेक्स का इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे ले जाना और ऐसे करना है, ये आपका, और फिर हल्के हाथों से पीछे आपको यूं यूं इस तरीके से कर देना है, ये बनेगा कनकेव के लिए, ये आपका बनेगा कनकेव के लिए। अब मैं थोड़ा कन्वेक्स का भी बता के फिर आपको अच्छे से एक बार मैं खुद कॉपी में बना के आपके लिए डाल दूंगा, और कितने कितने बनाने हैं वो भी लिख दूंगा। देखो ऐसे आपको जो ये ऐसे हैं, ऐसे आपको टोटल 10 बनाने हैं, टोटल 10, और 2 और एक्स्ट्रा बना सकते हो तो बना लो, 10 बना सकते हो, ठीक है? और एक जैसे एक आपका ये आपका मान लो शीट है, ये आपकी शीट है, मान लो ये वाली शीट है, मैंने फाड़ लिया है, इसमें एक इतना बनेगा, एक इतना बनेगा, ज़्यादा बनाने की एक ही में कोशिश मत करना, ठीक है? वो मैं आपको भी दिखा दूंगा अपने डेस्क पे रख के कि मैंने कैसे बनाए, मैं इधर 2 बना के दिखाऊंगा कनकेव के, और इधर 2 कन्वेक्स के बना के दिखाऊंगा, जगह थोड़ी छोड़नी है ताकि वो आम साइड में कुछ लिख सके। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट में जो डालूंगा वो इसी पे होगा सारा काम, उसी वक्त करना है आपको, उसी वक्त करना है वीडियो को पॉज कर करके। तो इसीलिए ऐसे आपको 10 बनाने हैं, एक पेज पे 2 बनाने हैं, और ऐसे एक पेज पे आपने 2 बनाए, फिर दूसरे पेज पे 2 बनाए, तो ऐसे 5 पेज भर जाएंगे, ऐसे 10 आप अगर बना लोगे तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा, ठीक है? अब आते हैं भैया मेन चीज़ किस पे आते हैं, सब चीज़ गिर रही है, तो अब आते हैं हम कन्वेक्स पे। ये हमने कनकेव बनाया था, अब कन्वेक्स कैसे बनाएंगे, तो कन्वेक्स ऐसे बनाएंगे, आपकी वही रूल्ड शीट्स होगी, रूल शीट में ऐसे आपकी लाइंस होती है, ठीक है? तो आपकी लाइंस मान लो, फिर से मैंने 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, 12 सेंटीमीटर की, 0 पे मार्क, 4 पे मार्क, 8 पे मार्क, 12 पे मार्क कर रखा है, इतना 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 हमने 0, 4, 8, 12 पे हमने मार्क कर रखा है। अब ध्यान से समझना, 0, 4, 8, 12 पे तो आपने मार्क कर रखा है, पिछली बार हमने करा था सी एफ और पी, पर इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, इस बार हम यहां से स्टार्ट करेंगे सी एफ और पी, क्योंकि इस बार हमें यहां पे कंपास को रखना है और पी पे 4 लाइन ऊपर, 1, 2, 3, 4, 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे, 1, 2, 3 और 4 तक ऐसे बनाना है, और इधर से पेंट कर देना है, पॉलिश कर देना है, ये आपका बनेगा, ये वाला इस बार छोड़ना है, सी एफ पी लाना था और ऐसे बनाना था, ये आपका बन गया कन्वेक्स बन गया। और कन्वेक्स के आपको टोटल बनाने हैं 4 और 2, 6 डायग्राम टोटल आपको 6 बना के ऐसे छोड़ देना है, और मुझे
भेजना है कि सर हमने बनाया है, ठीक है? तो अब चलो मैं अपनी डेस्क पे आपको ले चलता हूँ और वहाँ मैंने कैसे बनाया है वो आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों अब हम अपने डेस्क पे आ गए हैं फाइनली। अब देखो डेस्क पे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोगों को कॉपी पे अपने ये डायग्राम्स को बनाना है, ठीक है? तो मैं आपको दो डायग्राम कनकेव और दो डायग्राम कन्वेक्स के बना के दिखाऊंगा, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आप क्या लो, एक पेंसिल लो, ठीक है, और एक अपना स्केल लो, ठीक है, और एक दो तीन चार पाँच, पांच लाइन यहाँ से ऊपर से छोड़ के, ठीक है, सिक्स्थ आप अपनी लाइन पे इस तरीके से अपने स्केल को रखो, ठीक है, अपने स्केल को आपने रखा सिक्स्थ लाइन पे, ठीक है, और आपने 12 सेंटीमीटर की लाइन बना ली। अभी आपने स्केल यहीं रखा हुआ, स्केल पे ज़ीरो पे आपको एक मार्क करना है, ज़ीरो पे, फिर आपको 4 सेंटीमीटर पे, फिर आपको 8 सेंटीमीटर पे और 12 सेंटीमीटर पे, ऐसे आपने चार डॉट बना लिए, ठीक है। ऐसे ही मैं सिम में नीचे भी सिमिलर करूँगा, 1 2 3 4 5 छोड़ के नीचे से, जैसे ऊपर से छोड़ा था वैसे ही मैं नीचे भी देखो 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पर अपनी स्केल से बनाऊँगा, क्लियर है? तो देखो ध्यान से देखना, मैंने 12 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है, 0 to 12। अब स्केल हटाया नहीं, 0 पे मार्क, 4 पे मार्क, 8 पे मार्क और 12 पे मार्क, मैंने इस तरीके से मार्क कर लिए, ठीक है, ध्यान से आपको दिख रहे होंगे। थोड़े मार्क को बड़ा कर देता हूँ, आपको इतना बड़ा नहीं करना, छोटा सा एक पॉइंट बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। जैसे मैंने ऊपर बनाया था वैसे ही मैंने आपको नीचे बनाया। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है सी एफ पी, साइड वाला छोड़ना है, इधर भी सी एफ पी। मैं आपको कौन सा बना के दिखा रहा हूँ, कन्वेक्स नहीं, कनकेव बनाऊँगा मैं आपके लिए, कनकेव बनाऊँगा पहले, ठीक है, तो कनकेव बना लूँगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे आपने डायग्राम बना ली, ऐसे आपको मैं दो बना के दिखा रहा हूँ, एक और दो, ठीक है। आपको ऐसे सेम आपको कहोगे सर ये तो मैं बार बार एक ही चीज़ बना रहा हूँ, पर ऐसे आपको 10 बनाना है, ध्यान से समझ लो, पहले ही 10 बना के मुझे भेजना है, ठीक है। नंबरिंग भी डालनी है 1 2 3 4 ताकि मैं देख पाऊँ आपके पास। तो आप उस सी पे देखो, अपने कंपास को रखा हमने सी पे रखा और हम ले गए इसे पी तक, सी पे रखा और मैं इसे पी तक ले गया, सी पे रखा और मैं इसे पी तक ले गया, और पी पे मैंने चार लाइन ऊपर और चार लाइन नीचे इस तरीके से मैंने करा इसको। देखो सिर्फ चार लाइन, एक दो तीन चार, एक एक दो तीन चार, चार चार लाइन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और इधर मैंने धीरे 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 इसके पीछे ऐसे अपने कहते हैं राइट हैंड साइड की तरफ ऐसे धीरे 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 इस तरीके से बना लिया, ये आपकी पॉलिश हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपकी पॉलिश हो गई, ठीक है। ऐसे ही मैं सिमिलर नीचे करूँगा कि अपने सी पे रखूँगा, सी पे रखा मैंने और मैं इसे पी तक लेके जाऊँगा और चार लाइन ऊपर, ठीक है, और चार लाइन नीचे, चार लाइन ऊपर और चार लाइन नीचे इस तरीके से बना के यहाँ पर इसको पॉलिश कर दूंगा। तो ये आपके अच्छे डायग्राम बने नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए मैं आपसे ऐसे 10 बनवाऊंगा, मैंने 2 बनाए, ठीक है। ऐसे ही आपको इससे अगले वाले पेज पे, फिर उससे अगले वाले पेज पे, ऐसे अगले वाले पेज पे, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते 10 बनाने हैं, ठीक है, और एक पेज पे 2 बनने चाहिए ताकि आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लिख सको। अब आते हैं हम लोग कि कैसे हम अब कन्वेक्स बनाएंगे, कैसे हम कन्वेक्स बनाएंगे, इसके भी 2 बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये 2 इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए तो आप दोबारा समझ सको। ऊपर से कितनी लाइन छोड़नी है, 1 2 3 4 5 लाइन मैंने छोड़ी, ऊपर से 5 लाइन छोड़ी और 6th लाइन पे मैंने 0 से लेके, ठीक है, देखो हाथ मेरा बीच में आ जाए तो सॉरी उसके लिए, 0 से लेके 12 तक की एक लाइन खींच ली, 0 से लेके 12 तक की एक लाइन मैंने खींच ली, 0 से 12 तक की एक लाइन खींच ली। अभी मैंने स्केल हटानी है, 0 4 8 और 12 पे पॉइंट बना लेना है, 0 4 8 12 पर ये लिखना नहीं है, तो मैंने ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन के लिख दिया 0 4 8। आपको असलियत में पता है क्या लिखना है, असलियत में आपको आपको लिखना है यहाँ पे सी एफ और पी। पिछली बार हमने सी एफ पी ऐसे लिखा रहा था, इस बार हमने पीछे से स्टार्ट करना है सी एफ पी, क्लियर है। सी आपका सेंटर होता है तो इस बार आपको सेंटर पे रखना है अपने कंपास को और पोल पे
पोल पे, सेंटर पे अपने कंपास को रख के पोल पे चार लाइन ऊपर और चार लाइन नीचे, ठीक है, ऐसे ही देखो, एक दो तीन चार लाइन ऐसे ऊपर और चार लाइन नीचे, और ठीक है, शेडिंग कहाँ पे होगी, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा आपकी शेडिंग पीछे होती है, जो कि कहाँ होती है आपकी शेडिंग, आपकी पीछे आपकी होती है, जो कि आपकी होती है राइट हैंड साइड, शेडिंग कर देनी है, क्लियर है। ऐसा एक और बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि सर कैसे बना रहे हैं। देखो नीचे भी बनाना है ऐसा, एक पिछ पे दोनों दो बनाना है, और ऐसे कितने बनाने हैं, छः, वैसे बनाने थे आपको, उसके बनाने थे आपको टोटल 10, और इसके आपको बनाने हैं 6, तो नीचे से मैंने 5 लाइन छोड़ी, एक, ध्यान से देखो, एक दो तीन चार पाँच, 5 लाइन छोड़ी, और फिर मैंने अपने ऐसे स्केल से 12 सेंटीमीटर की लाइन खींची। देखो लाइन पे लाइन ही बनानी है, आप क्या करोगे, दो लाइन के बीच में जो खाली वाइट पेपर होता है वहाँ एक लाइन बना दोगे, नहीं लाइन पे लाइन बनानी है, और 0, 4, 8 और 12 पे आपने अपने पॉइंट बना लेने हैं। 0 पे आपको सी लिखना है, 4 पे आपको एफ लिखना है, पी लिखना है, आपको 0, 4, 8, 12 नहीं लिखना, 12 पे तो कुछ लिखना ही नहीं है आपको, 0 पे सी, 4 पे एफ और फिर पोल, और फिर आपको ऐसे कंपास अपना लेना है, कंपास लेना है, ठीक है, कंपास को सेट कर लो अच्छे से यार, देखो मेरा सेट किया हुआ था वो ख़राब हो गया, फिर आपको सी पे रखना है और पी पे ले जाके, सी पे पी पे ले जाके आपको चार लाइन ऊपर और चार लाइन नीचे बनाना है, चार लाइन ऊपर और चार लाइन नीचे, और उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आपको पॉलिश कर लेना है, छोटा छोटा पॉलिश करना है, गाढ़ा गाढ़ा मत करना। तो ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से, ध्यान से देख लो, ठीक है, ये आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से एकदम क्लियर आपका दिखेगा, क्लियर है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, मुझे होमवर्क करो और अपना सेंड करो, ठीक है, और मज़े करो, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.